जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये Get19 एक ओमनी चैनल बिजनेस ऑटोमेशन टूल है, जहाँ पे आपको कहीं से भी जो लीड्स आती हैं, जैसे कि जसदार इंडिया मार्ट, कोई इशू, आप जो कैंपेन रन करते हैं उससे, आप डिजिटल एड्स रन करते हैं, गूगल एडवर्ड्स, आपकी वेबसाइट से वॉक इन कस्टमर हो, ईमेल पे आती हो, आपके व्हाट्सएप पे, सारी जगह से इंटीग्रेट हो सकती है जो आपको आइकन देख रहे हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर चार मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो कि SMS, ईमेल, वॉइस, व्हाट्सएप, चारों इंटीग्रेटेड है। और ये जो आपको टूल्स दिख रहे हैं, इसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं, जैसे लीड मैनेजमेंट हुआ, टिकट मैनेजमेंट हुआ, टास्क मैनेजमेंट हुआ, पाइपलाइन सॉफ्टवेयर हुए। साथ ही साथ आपका व्हाट्सएप जो है, कोटेशन इनवॉइस है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, तो उसके अंदर सारे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे टूल्स अवेलेबल है। अब मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ लॉगिन करने के बाद। देखिए डैशबोर्ड है, यहाँ पे जो आपको पाई चार्ट दिख रहा है डिपिक्ट करता है कि आपके पास कितनी, किस मीडियम से कितनी लीड्स आई हैं, किस परसेंटेज में, तो कि आपका जो मार्केटिंग ROI है वो आपको कैलकुलेट करके देता है। आप देखेंगे आज कितनी लीड असाइन हुई आपकी टीम में, अभी तक कितनी लीड असाइन हो चुकी है, उसके बाद आज कितनी फ्रेश लीड क्रिएट हुई, इस मंथ में कितनी फ्रेश लीड की, और कितनी लीड जैसी टॉप फॉलोअप नहीं है अभी आपकी। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो AI टूल इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, उसके बेसिस पे ये आपको टॉप कन्वर्टेड क्लाइंट, जो आपने क्राइटेरिया सेट करा होगा उसके बेसिस पे टॉप क्राइटेरिया, जो टॉप क्लाइंट जो कन्वर्ट हो सकते हैं वो दिखते हैं। अब मैं नीचे आता हूँ, ये इंक्वायरी सेक्शन है, यहाँ पे जो आपकी जो जितनी भी आपने लीड इंटीग्रेशन कर रखी है, किस सोर्स से कितनी लीड्स आई हैं अभी तक फ्रेश, उसका दिखाता है। जैसे आज कितनी आई हैं, इस मंथ में कितनी आई हैं अभी तक आपकी, और अभी तक कितनी ऐसी लीड्स हैं जो आपकी टीम ने काम नहीं किया। राइट हैंड साइड पे कन्वर्जन्स दिख रही हैं आपको, कन्वर्जन्स के अंदर आपकी टीम ने कितने कन्वर्ट किए हैं इस महीने में, अभी तक कितने किए हैं, और ओवरऑल अमाउंट क्या है, ये आपको दिखता है इसमें। साथ ही साथ देखिए ये आपको जो है कॉल्स का दिखा रहा है डैशबोर्ड, यहाँ पे कॉल्स भी आप देखेंगे तो कॉल्स के अंदर आपको ये दिख रहा है कि कितनी इनकमिंग कॉल्स आई हैं, कितनी 7 दिन के अंदर आई हैं, इस मंथ में कितनी आई हैं, आउटगोइंग कितनी है, आउटगोइंग कॉल 7 दिन में कितनी है, और इस मंथ में कितनी है, और टॉप एजेंट कौन है जिसने कॉल उठाई है, और कितनी मिस हुई है। सपोर्ट टिकट पोर्टल में है कि आप देखेंगे कितनी सपोर्ट टिकट आज क्रिएट हुई, कितनी 7 दिन में हुई, इस मंथ में कितनी अनडेट, अभी तक अनअटेंडेड कितनी है। मेल देखिए कितनी मेल्स आज गई, कितनी 7 दिन में गई, और इस मंथ में कितनी गई है। एक्टिव कैंपेन्स जो आप इवेंट बेस्ड कैंपेन्स, यहाँ पे हम कैंपेन्स रन करते हैं ऑटोमेटिक, वो देखेंगे आप इसमें कि 9 एक्टिव कैंपेन्स में आज कितने गए हैं, लास्ट 7 डेज में कितनों को रीच हुआ है, इस मंथ में कितने को रीच हुआ है। एम्प्लॉय टाइम ट्रैकर है इसमें, जो आपको एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ट्रैक करके देता है। टोटल 5 लोगों को आपने ट्रैकिंग पर लगा हुआ है, आज एक भी प्रेजेंट नहीं है, 5 एब्सेंट है। लेट टू वर्क रिपोर्ट कितने हैं, कितनों ने ब्रेक एक्सीड की थी, कितनों का वर्क टाइम कम है, ये आपका फॉलोअप आएगा एग्जीक्यूटिव वाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके टीम के कितने फॉलोअप पेंडिंग हैं, देखिए ओवरड्यू यानी 77,000 फॉलोअप पेंडिंग है आपके, आज के कितने ड्यू हैं, अगले 7 दिन के लिए कितने ड्यू हैं, इस कैलेंडर मंथ में कितने ड्यू हैं, और कौन आपके टॉप एजेंट्स हैं जिनके फॉलोअप पेंडिंग चल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ट्रेडिंग में 77,000, तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। टास्क जो आपने टास्क डिफाइन रख कर रखे हैं अपनी टीम ने, उसमें कितने ओवरड्यू हैं, कितने आज के लिए ड्यू हैं, 7 डेज के लिए कितने ड्यू हैं, इस मंथ में कितने ड्यू हैं, और कौन से ऐसे टास्क हैं जिन आपकी टीम ने परफॉर्म नहीं किए। अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट ट्रैक कर सकते हैं, सेम ओवरड्यू कितने हैं अभी तक, आज के लिए कितने ड्यू हैं, नेक्स्ट 7 डेज में कितने ड्यू हैं, इस मंथ में कितने ड्यूज हैं, और कौन से टॉप डिफॉल्टर्स हैं, इनको आप पूरे ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका पाइपलाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। आपके जो डील्स हैं वो किस स्टेज पे चल रही हैं, चाहे वो सेल्स की डील हो, चाहे सर्विस की हो, या प्रोडक्शन की हो, तो आपकी सारी डील्स किस स्टेज पे चल रही है, उनकी स्टेजेस डिफाइन कर सकते हैं, और उस स्टेज में करंटली कितने केसेस हैं, जो आप स्टेज वाइज देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये स्टेजेस वाइज आ रहा है, ये आपके एम्प्लॉय वाइज कितने केसेस किस स्टेज में है, देन ओवरऑल डील एक्सपायरिंग कितनी, डील कितनी एक्सपायर हो रही है,
और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है आपका इस मंथ के अंदर, आपको ये शो करता है। ठीक है, अब मैं आपको मेन्यू वाइज लेके चलता हूँ। सबसे पहले आता है मार्केटिंग, इसके अंदर जो पहला आता है वो आता है डिजिटल आइडेंटिटी। डिजिटल आइडेंटिटी मतलब एक बिजनेस की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, क्या क्या चीजों में डील करता है, और उससे कांटेक्ट करने के कितने कम्युनिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, ईमेल, व्हाट पे आ सकता है, फेसबुक पेज होता है, ट्विटर वगैरह होता है, सारे पेज एक पे हमने लिंक करके दे रखे हैं, दैट इज डिजिटल आइडेंटिटी। देन वी गो टू द प्रमोशन सेक्टर, एसएमएस प्रमोशन कर सकते हैं, इसके अंदर हमने आपको इंटेलिजेंट एसएमएस दे रखा है, जिसमें आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि आपके जो एसएमएस कितने लोगों ने पढ़ा, और उनको फिल्टर आउट करके उन पर सेपरेट सेगमेंटेशन वगैरह भी करके रन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिन्होंने आपका मैसेज पढ़ा उस पर स्ट्रेट अवे आपसे टीम से कनेक्ट कर दिया जाए, वो मैकेनिज्म भी इसके अंदर इनबिल्ट है। देन मेल्स, आप मेल्स भेज सकते हैं, अगेन मेल्स के अंदर ट्रैकिंग वगैरह अवेलेबल है, जिसके आप अपने वर्क फ्लोज के थ्रू, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं, और उसको सेगमेंटेशन के बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं। वॉइस, वॉइस के अंदर आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, एक ऑप्शन आपके पास है कि आप जो है मोबाइल लोकलाइक नंबर से कॉल कर सकें, और एक ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर कि आप जो है डीआईडी नंबर से कर सकें। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ये आप डीआईडी नंबर से या फिर आप 80 यानी मोबाइल लोकलाइन नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। 10 to 9 के बीच में आप इनसे कभी भी आप चीजें कर सकते हैं। देन वी हैव डिजिटल एड्स, यहाँ पे आप अपना डिजिटली एड रन कर सकते हैं, जो कि फेसबुक पे है हो या इंस्टाग्राम पे हो, वो सारा है, और बाकी जगह से भी आप इनको एड रन कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। यहाँ पे आप ऑडियंस डिफाइन करेंगे और उसके थ्रू आप रन कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जो भी लीड्स आप इसके थ्रू जनरेट करेंगे डायरेक्टली आपके किट 19 अकाउंट में आ जाएगी, और वहां से आप उसको फर्दर कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव एपीआईज, एसएमएस, ईमेल, वॉइस की है, इंटीग्रेशन की एपीआईज हैं जो आप यूज कर पाएंगे। वी हैव ईमेल इंटीग्रेशन, जहाँ पे जैसे कि आपने अपने सिस्टम पे ईमेल इंटीग्रेट करते हैं, वैसे आप इसमें इंटीग्रेट करेंगे जीमेल, याहू, आउटलुक आदर से सीधे कन्फिगर है। बेनिफिट आपको यहाँ से इंटीग्रेशन करने का ये होगा, जो भी आपकी मेल्स पे इनकमिंग होती है या आउटगोइंग कम्युनिकेशन होती है, अगर वो आपके डेटाबेस यानी इंक्वायरी या लीड में मैच करती है, तो इवेंट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर जाएगा और आप उसका ट्रैक रख पाएंगे। साथ ही साथ कोई फ्रेश ईमेल आती है तो आप उसको डायरेक्टली अपने डेटाबेस में कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो लीड आपका डेटाबेस और स्ट्रांग होता जाए। तो इसके अंदर इंटीग्रेशन अवेलेबल है जो आप यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर गूगल कैलेंडर है, जहाँ पे आप अपनी गूगल कैलेंडर के अपना कैलेंडर डिफाइन कर सकते हैं, आपके पास कितने डे में देख सकते हैं आज क्या क्या टास्क है जिनको आपको परफॉर्म करना है, जैसे और कौन से मीटिंग्स हैं, कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं, कौन से आपने फॉलोअप्स हैं जो करने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कैलेंडर डिफाइन होके ये आ जाता है आपके पास, जो कि आपकी जीमेल आईडी के साथ इंटीग्रेट होता है, तो आप फोन पे भी अपना इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मार्केटिंग सेक्शन में मैं आता हूँ, जो कि एंगेजमेंट सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंगेजमेंट सेंटर्स, इसके अंदर मोर देन 190 ऐसी एंगेजमेंट्स हैं जो मैं आपको ट्रैक करके इसमें होते हैं, क्योंकि ये ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म है, तो हम ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस ऑफ द क्लाइंट या जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है हमारे द्वारा क्लाइंट पे, या क्लाइंट कोई भी परफॉर्म करता है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, और उसके के बेसिस पे आप उनको फर्दर एंगेज कर सकते हैं विद एसएमएस, ईमेल, वॉइस, व्हाट्सएप, सारा इसके अंदर अवेलेबल है, जिसके के थ्रू आप इनको एंगेजमेंट के एंगेज कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको दिख रहा है लीड रेज है, टिकट टिकट रेज होने पे हो, अपॉइंटमेंट ऐड होने पे हो, इनवॉइस क्रिएट है, डील एडेड है, इंक्वायरी है, तो सारा इसमें है, और देखिए चारों मीडियम्स अवेलेबल है, एसएमएस, ईमेल, वॉइस, व्हाट्सएप। साथ ही साथ आप सीक्वेंस भी डिफाइन कर सकते हैं, जो मेरा नेक्स्ट है। सीक्वेंस के अंदर आप मल्टी प्लेटफॉर्म मतलब मल्टीपल चीजें एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि पहले आपने एसएमएस भेज दिया, आप चाहते हैं उसके 2 मिनट का एक और एसएमएस चला जाए, या फिर उसके 3 मिनट के बाद एक व्हाट्सएप चला जाए, व्हाट्सएप में पहले एक इमेज चली जाए, फिर एक डॉक्यूमेंट चला जाए, तो पूरा आप सीक्वेंस इसमें डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप भी है। सीक्वेंस, मार्केटिंग सीक्वेंस, इसके अंदर आप सारा डिफाइन कर सकते हैं, और ये आप खुद ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपको सीक्वेंस बनाने की जरूरत है। देखिए सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं,
सीक्वेंस किसका हो, ये व्हाट्सएप के लिए चाहिए, आपको जनरल चाहिए या अदर चाहिए, आप पूरा उस पर सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक कि सपोज आपने एक एसएमएस भेजा, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एक आपकी फील्ड अपडेट हो जाए अगर क्लाइंट ने कोई रिस्पॉन्स किया, जिससे आप उसको अलग से ट्रैक कर सकते, तो सारी चीजें इसके अंदर इनबिल्ट हैं, आपको अलग से करने की इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ आई गो ऑन टू द सेकेंड, दैट इज वर्क फ्लो। वर्क फ्लो अगर मैं बोले बिजनेस की एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आपका ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और आप इसको अपने हिसाब से ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको करके एक चीज बताता हूँ। सपोज मैंने कहा मेल सेंड टू लीड, ये एक मैंने इवेंट बनाया, अब इसके बेसिस पे क्या हो, एक अपॉइंटमेंट बुक हो जाए। आप इसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक एक्शन परफॉर्म किया जाता है क्लाइंट के थ्रू, तो नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली हो जाए। जैसे आपने कॉल किया क्लाइंट को, क्लाइंट ने आपकी कॉल पे इंटरेस्ट शो किया, आपके स्टाफ ने उसको खाली पॉजिटिव फॉलबैक मार दिया। जैसे ही आप पॉजिटिव फॉलबैक मारे, ऑटोमेटिकली एक ईमेल चली जाए क्लाइंट के पास, ईमेल पे उसमें लिंक है, अगर आप हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो इस लिंक पे क्लिक करिए। वो एक लिंक पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में एक अपॉइंटमेंट क्लाइंट के लिए मार्क हो जाए, प्लस आपकी जो सेल्स पाइपलाइन है वो पॉजिटिव में मार्क हो जाए। और पॉजिटिव मार्क होने के बाद उसको एक दिन के बाद एक रिमाइंडर चला जाए कि आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली वो चले जाए। अगर वो इंटरेस्ट शो करता है तो येस फनल में मार्क हो जाए, नहीं तो आपके रिटेंशन टीम में मार्क हो जाए। तो ये पूरा जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहें, जैसे आप चाहते हैं, इसको यूटिलाइज करके अपनी ह्यूमन जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करके सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लाइंट को बेटर एंगेज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करे और आपकी मैन पावर कॉस्ट रिड्यूस हो, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपका ये सेल्स वाला पार्ट, सॉरी मार्केटिंग वाला पार्ट कवर हो गया। अब मैं सेल्स सेक्शन में आता हूँ, इंक्वायरी सेक्शन। इंक्वायरी सेक्शन में आपको मैं दिखाया था, इंक्वायरी सेक्शन में क्या है, जहां से भी आपका जो डेटाबेस आता है ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आके कैप्चर होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है नाम, दिख रहा है नंबर है, ईमेल आईडी, कंपनी है, आप कब आया, उसके बाद किस सोर्स से आया, आपको दिख रहा है मीडियम है, टाइप में ओपन है, ओपन मतलब होता है कि आपकी टीम ने काम नहीं किया या उनको असाइन नहीं है, लीड है मतलब उसको असाइन कर दिया गया है, सारा आपको ट्रैक हो रहा है। यहाँ से आप चाहे तो कॉल, क्लिक टू कॉल है, यहाँ पर क्लिक करके नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉल चली जाएगी क्लाइंट के पास। देखिए यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं इस चीज को। इसी में ऑप्शन है कि आप यहाँ से एसएमएस, ईमेल, वॉइस, व्हाट्सएप सारा आप भेज सकते हैं इसके लिए। देखिए पूरा आप इसमें कर सकते हैं और आपको पूरी एक एक हिस्ट्री इसकी ट्रैक होके मिलेगी, आपने कब कॉल किया, कब व्हाट्सएप किया, कब एसएमएस किया, इसमें आपको सब ट्रैक होके इसके अंदर मिलेगा। और यही आपका जो मेन एसेंस होता है कि पूरा बिजनेस को सॉफ्टवेयर पे लेके आने का, यही होता है कि ईच एंड एवरी एक्टिविटी, जैसे मैंने अभी कॉल की थी, कॉल का वो भी आ गया, देखिए इंस्टेंट अगर कॉल पिक हो जाती है तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, व्हाट्सएप क्या गए हैं, इंक्वायरी क्या है, किस सोर्स से आया, एसएमएस, ईमेल, वॉइस, व्हाट्सएप सारा यहाँ से भेज सकते हैं। फॉलो अप ऐड करना है, यहाँ से फॉलो अप ऐड के फॉलो अप अपने आप से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको जैसे जो प्री डिफाइंड फील्ड है वो नहीं चाहिए, आपको कुछ अपनी कस्टम फील्ड इसमें ऐड करनी है, तो आप अपने हिसाब से कस्टम फील्ड भी ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के अनुसार। देखिए ये टाइप ऑफ फील्ड है, आप चाहें तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लीड वगैरह आ गया, यहाँ से ही आपको मास ऑपरेशंस है करने के लिए, आप मास ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ऐड टू लीड, एसएमएस, मेल, वॉइस, व्हाट्सएप सब कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो डिफॉल्ट है उसको आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, देखिए पर्सन नेम के हिसाब से आपको सॉर्टिंग करनी है डिफॉल्ट वो कर सकते हैं। आप चाहें तो खाली जैसे जस्ट डायल की आपको लीड दिखनी चाहिए क्योंकि आप उसको मैनुअली असाइन करना चाहते हैं, तो वो फिल्टर भी आप यहाँ से लगा के उसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई सर्चिंग करनी हो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ आई मूव ऑन टू द लीड सेक्शन। अब लीड सेक्शन में देखिए, लीड सेक्शन जो आपको दिखेगा इसके अंदर आपके जितना भी डेटाबेस आपकी टीम परफॉर्म कर रही है वो सारा इसमें आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो चीजें हैं जैसे कि आपके कितने केसेस हैं सब आपको इसके अंदर ट्रैक होके मिल रहा है, कि आपके स्टाफ ने कब फॉलो अप मार्क किया, कैसे उसका फॉलो अप चल रहा है, वो सब दिखेगा। देखिए
यहाँ पे डेटाबेस में आपको देख रहे होंगे नाम नंबर डिटेल्स तो आ ही रही है। ये यहाँ पे करंट स्कोर लीड स्कोर जो आपने डिफाइन कर रखा है उसके बेसिस पे कब एक स्टेटस कब डाला न्यू लीड है, कब फॉलोअप ऐड हुआ, किसने ऐड किया, क्या रिमार्क्स थे, किस सोर्स से आया था, ये पूरा आप इसके अंदर ट्रैक कर सकते हैं कब फॉलोअप हुआ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ही आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि ऐड फॉलोअप चल रहा है, ऐड फॉलोअप है इसमें आप फॉलोअप मैंने पहले ही बताया था आपको, यहाँ से आप फॉलोअप ऐड कर सकते हैं, SMS मर्ज, अगर कोई डुप्लीकेट को मर्ज करना हो, व्हाट्सएप है, इंटरनल नोट्स ऐड करने हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हो, कोई टास्क असाइन करना हो किसी थर्ड पर्सन को विदाउट एनी गिविंग द कस्टडी ऑफ द लीड, आपको टास्क असाइन करने आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आपने क्लाइंट को कॉल किया, क्लाइंट ने कहा कि मैंने आपके एक फेसबुक पेज पे कमेंट किया था, उसका किसी ने जवाब नहीं दिया, और फेसबुक पेज आप नहीं देखते हो, कोई और पार्टी देखती है, तो आप उनको एक टास्क असाइन कर सकते हैं कि ये फेसबुक पेज है इसके पे क्लाइंट ने कमेंट किया, इसको रिप्लाई कर दो और मेरे को बता दीजिए, वो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम मेथड आप करवाते हैं तो आप एक पर्सन को जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुए थे उनको टास्क असाइन कर दीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दे, वो चीज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट है आपके पास कोई फिजिकल या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है जिसको आप यूज कर पाएंगे आगे, डील अगेन यू कैन यूज द डील कि आपको डिफाइन करने के लिए सेल या सर्विस का जो भी आपका स्टेज है वो किस पे चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीपल डील्स बना रखी हैं, इंटरनेशनल में वेलकम मेल सेंड, प्रपोजल शेयर, डेमो फिक्स वगैरह, आप ये कर सकते हैं। इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी बिजनेस कहाँ पे जाएगा, मंथ में कितना रेवेन्यू वगैरह आपके आ रहा है। अगर आपका कोई डी पर्टिकुलर नंबर पे आपको टैक्स सेटिंग करनी है तो आप टैक्स सेटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर GST कोटेशन ऐड कर सकते हैं, इनवॉइस है, वेब फॉर्म है, वेब फॉर्म आप इसको एज ए सर्वे के लिए, कोई रिकॉर्ड कीपिंग करनी है आगे फ्यूचर के लिए आप कर सकते हैं इसके अंदर। जिससे कि जैसे सपोज आपने एक, मैं डॉक्टर का एग्जांपल लेके चलता हूँ आपको बताता हूँ, आपके डॉक्टर की नॉर्मली जाते हैं तो क्या ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट, ये सब मॉनिटर करते हैं बार बार, तो उसको रादर बार बार अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के यहाँ से एक फॉर्म बनाया, उन्हें मॉनिटर किया, सेव कर लिया, ऑटोमेटिकली हर बार उनके रिकॉर्ड कीपिंग यहाँ पे मेंटेन होती रहेगी। और जितनी भी एक्टिविटी आप करेंगे वो सारी यहाँ पे कॉल्स की है, फॉलोअप की है, नोट्स हैं, डॉक्यूमेंट हैं, टास्क, अपॉइंटमेंट, जो भी आपके साथ चल रहा है इसमें सारी चीजें हम यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे इसके अंदर, ये आपको मिलेगा। उसके बाद देखेंगे आप सेल्स के अंदर ही आपको मिलेगा कन्वर्जन, कितने अभी तक कन्वर्ट हुए क्लाइंट्स, इनकी लिस्ट, किसने कन्वर्ट किया, कब कन्वर्ट हुआ, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखिए मिल रही है। नेम क्या है, कंट्री क्या है, मोबाइल है, कितना बिजनेस दिया, कितनी बार ऑर्डर दिया, लास्ट ऑर्डर कब आया था, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, इसका फिल्टर करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेगमेंटेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं बेसिस ऑन द क्राइटेरिया यू डिफाइन। फेसबुक से लीड आ रही हो आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं उसके लिए कि एक महीने में लीड आई हो, अनिमेश को साइन हो और उसने नॉट इंटरेस्टेड मार्क किया, तो बेसिस ऑन एनी क्राइटेरिया यू डिफाइंड यू कैन डू दैट। ये पूरा क्राइटेरिया आपको इसमें डिफाइन होकर मिल जाएगा जिसको आप आगे अपनी मार्केटिंग में, सेगमेंटेशन में, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये आपके इसका। देन आई कम टू द टास्क, टास्क मैंने बताई दिया, टास्क आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो ओवरऑल बिजनेस लेवल पे टास्क देखेंगे, अपॉइंटमेंट्स है, लीड एक्टिविटीज है, पाइपलाइंस है, कितनी स्टेज पे कितनी पाइपलाइन चल रही है आपकी वो आप देख सकते हैं इसके अंदर, कि करंट किस स्टेज पे कितनी पाइपलाइंस है, इस स्टेज के अंदर कितनी है, आपकी सर्विस की कितनी है, सेल्स की कितनी है, पेमेंट वाली कितनी है, पूरी पाइपलाइन हिस्ट्री आप देख सकते हैं, और आपके बिजनेस पे क्या चल रहा है, किस टाइम वो आप इसके अंदर ट्रैक कर पाएंगे। देखिए ऐसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि मेरी सेल पे कितनी। नाउ कमिंग ऑन टू योर फॉलोअप्स, आपकी जो इंटरनल टीम है वो इस पे वर्क करेगी फॉलोअप पे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको चार सेगमेंट दिए गए हैं, एक ओवरड्यू है, उसके बाद एक ड्यू मतलब आज के लिए, फिर शेड्यूल है और नो फॉलोअप, आपके पास चार सेगमेंट के डेटाबेस देख रहा है, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, ओवर ड्यू, ड्यू टूडे, शेड्यूल, नो फॉलोअप, आप देख पाएंगे और इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप फॉलोअप भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है इसी ऑप्शन में।
नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ई शॉप। ई शॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपका बिजनेस है ऑनलाइन सेल्स जनरेट करने के लिए आपको टूल चाहिए, तो उसके अंदर हमने टूल दे रखा है जहाँ पे आपकी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनेगा। इसको बैकएंड पे एक रोबोट जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर उसे अटैच किया गया है, जहाँ पे आप स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री है जो आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसको एज ए POS भी यूज कर पाएंगे, और वेंडर मैनेजमेंट भी है इसके अंदर। साथ ही साथ डिस्काउंट कूपन्स, लॉयल्टी पॉइंट्स, ऑफर्स, इन सब से आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। पाइपलाइन हिस्ट्री क्या है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। देन कम्स आउट टू व्हाट्सएप बिजनेस ऑटोमेशन। यहाँ से आप व्हाट्सएप है जो आप पूरा इसको ट्रैक करेंगे, तब तक ये मैं आपको बताता हूँ, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपलोड कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट की रिपोर्ट है, चैटबॉट बिल्डर है, टेम्पलेट्स है जो अपने क्लाइंट्स को भेजना होता है, टेम्पलेट्स बना सकते हैं, स्निपेट, कोई फ्रीक्वेंट चीज है जो आपको बार बार रिपीट करके टाइप ना करनी पड़े उसको स्निपेट में कर सकते हैं। व्हाट्सअप ई कॉमर्स के लिए आप कैटलॉग अपने डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर्स है, प्रोफाइल सेटिंग है, आपकी इमेज है, आपको लोगो है, या फिर आप बिजनेस वेबसाइट वगैरह किस पर डील करते हैं वो कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉमर्स सेटिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं, ऑटोमेशन रूल्स हैं, APIs आप डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आप थर्ड पार्टी चैटबॉट भी अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप इनबिल्ट उसके अंदर कर सकते हैं। ये पूरा इसके अंदर अवेलेबल है। APIs आपके पुश एंड पुल दोनों की अवेलेबल है इसके अंदर, जैसे कि आपको पोस्ट करना हो या फिर रिसीव करना हो, दोनों अवेलेबल है। ये व्हाट्सअप देखिए ऐसा कन्वर्जन्स खुलेगा, यहाँ पे लेफ्ट को सारे कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे आपको, कि कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है कि किस किस ने आपको व्हाट्सएप भेजा, उनके नंबर्स आएंगे अभी तक देख सकते हैं आप, क्योंकि अभी पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट अभी अपलोड हो रहा है, तो इसमें आपको यहाँ पे अभी देखिएगा, तब तक मैं आपको और बताता हूँ चीज़ें कि इसके अंदर जो व्हाट्सएप है इस पे आपको जो है देखिए ये आ गया नंबर्स आ गए लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद ये आपको क्या कम्युनिकेशन है वो दिख रही है उनसे लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से आपको डिटेल्स दिखेंगी पूरी जो आपके सिस्टम में सेव है। यहाँ से आप चैट को स्नूज कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी देर बाद रिप्लाई करना हो आप ब्लॉक मार सकते हैं नंबर आपको करना है, टेक ऑफ चैटबॉट चल रहा है तो चैटबॉट की तरह यूज कर पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से आप SMS, ईमेल, फॉलो अप, टास्क, अपॉइंटमेंट सब इसमें यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको किसी को फ्यूचर के लिए सेव करना है उसको लेवल मार्क कर दीजिए, यहाँ से करके लेवल मार्क कर देंगे जिसका फ्यूचर में आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको लेवल में देखेगा, ऐसे करके आप देख सकते हैं लेवल के अंदर। इसमें पूरा आपका हिसाब से दिया गया है जिससे कि आप इसको बेटर वे में कर सके। बेनिफिट क्या होगा इसे, एक ही नंबर आपका जाएगा, यानी एक ही नंबर से आपका डिस्प्ले होगा और आपकी जितनी टीम है वो सारे उससे कम्युनिकेट करेगी, सबको आपको सारी हिस्ट्री मेंटेन रहेगी चैट की, आपको मल्टीपल उनके फोन्स पर जाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आप एक ही जगह पे देख पाएंगे। अगर आपको डेटा सेग्रीगेशन के बेसिस पे करना है, देखिए यहाँ पे सेग्रीगेशन है लास्ट 24 आवर्स के, अनरीड के, ऑल चैट्स के, एक्टिव, स्नूज, कोई नंबर सर्च करना हो या जो आपने कस्टम सेगमेंटेशन के हिसाब से बना रखा था उनके बेसिस पे आपको सर्च करना, तो वो तक इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप उसको प्रॉपर वे में अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखने के लिए और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। अब मैं सेल्स से मूव होकर के सर्विस में आता हूँ, सर्विस सपोर्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर आपका जो है पूरा सपोर्ट मैनेजमेंट है जिसके थ्रू आपके कितने कंप्लेंट्स आई या कितनी इंटरनल टिकट्स हुई या एक्सटर्नल टिकट्स हुई दोनों आप मेंटेन कर सकते हैं, कितनी मेंटेन हुई, कितनी ओपन है, कितनी क्लोज है, पेंडिंग है, रिजॉल्व है, वेटिंग फॉर पार्टी है, थर्ड पार्टी, वेटिंग फॉर कस्टमर, थर्ड पार्टी है, ओवर ड्यू, ड्यू टू, सारा आपका ट्रैक हो सकता है। साथ ही साथ इसमें आप एस्केलेशन यानी SLA मास्टर भी लगा सकते हैं, अगर आपके टिकट इस टाइम फ्रेम में रिजॉल्व ना हो तो नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट हो जाए, वो सब चीजें डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी से आ रही है तो वो इस पर्सन को चले जाए, अगर उसमें इनवॉइस के रिगार्डिंग हो तो आपका अकाउंट सेक्शन में चला जाए, रिज्यूम लिखा हो तो HR पे चले जाए, सपोर्ट लिखा हो तो सर्विस वाले ऑटोमेटिकली वो कर सकते हैं।
और पूरा ट्रैकिज्म आपको एंगेजमेंट के साथ इसमें अवेलेबल है। जैसे टिकट रिजॉल्व होती है स्टाफ के थ्रू, तो आपके जो क्लाइंट है या आपकी इंटरनल टीम है जिसने टिकट रेज किया, उससे फीडबैक भी आप इस पे ले पाएंगे टिकट पोर्टल में। नाउ कम्स ऑन टू द प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय टाइम ट्रैकिंग। आपका सिस्टम पे अगर टीम पर्सन बैठे हैं तो उन्होंने कितनी देर काम किया, कितनी देर काम नहीं किया, अगर वर्क कर रहे थे तो कौन सी साइट्स खोली, कौन से एप्लीकेशन खोले, वो पूरा ट्रैक कर। जैसे टीम मेंबर 5 है, अराइव कितने, लेट कितने हैं, वो सारा दिखेगा। कितनी देर काम किया, कितनी देर ब्रेक ली, अगर काम किया तो कौन सी साइट्स, और उनके स्क्रीनशॉट तक आप इसमें कैप्चर। और अगर वो 20 सेकेंड से ज्यादा, जैसे मिनिमम टाइम डिफाइन कर रखा, नहीं कीबोर्ड या माउस लेते, ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाए, ये भी इसके अंदर आपका है। फिर डे शेड्यूल, आज का उनका शेड्यूल क्या रहा, कितनी देर काम किया, कौन से काम किया, अपॉइंटमेंट क्या आया, क्या फॉलोअप क्या किया, वो देख सकते हैं। ब्रेक्स हैं, लीव अप्रूवल, अगर कोई लीव वगैरह देनी है उसके लिए, चेक इन रिक्वेस्ट। अब चेक इन रिक्वेस्ट के लिए अंदर क्या है, आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपका टीम मेंबर क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं, अगर वो सिस्टम पे हो, अगर आपके ऑफिस के अंदर कभी चेक इन कर पाए, अगर वो फील्ड पे है तो, अगर किसी मीटिंग पे है 100 मीटर्स के रेडियस में हो तभी चेक इन कर सके, उसके पास वो अपॉइंटमेंट होना चाहिए तभी चेक इन कर पाए। एक क्वेश्चनेयर आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर क्वेश्चनेयर फेल्ड हो उसके बाद ओटीपी जाए तब आप कर सकते हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। साइन इन रिक्वेस्ट, साइन इन मतलब आपके अटेंडेंस, अटेंडेंस आप इस बेसिस पे लगा सकते हैं कि जो उनको एरिया डिफाइंड है उसी के एरिया में अगर होंगे तभी वो कर सकते हैं साइन इन, वरना वो नहीं कर पाएंगे। अगर वो अपने फील्ड एरिया से बाहर है तो ना कर पाए, मीटिंग पे है, पर्टिकुलर मीटिंग है तभी कर पाए। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का नेटवर्क है तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने पर्सन असाइन कर रखा है, अगर उसी लोकेशन पे है तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो ओटीपी जाएगा तभी वो साइन कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ प्री रिक्विजिट क्वेश्चन है जो आप उनसे पूछ सकते हैं, जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा फीवर कितना है, आपका सेंस स्मेलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, अगर वो क्वेश्चन हो उसके जो आंसर है उसके बेसिस पर साइन कर पाए, वो सारा आप कर सकते हैं। देन एक्सपेंस अप्रूवल, एक्सपेंस अप्रूवल के अंदर आप अपना एक्सपेंस जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। आपने डिफाइन कर रखा है 200 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी डिफाइन कर सकते हैं। मल्टीपल एक्सपेंसेस है कि किलोमीटर के इतने होने चाहिए, पर विजिट इतना होना चाहिए, पूरा आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं बेसिस ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। कि मीटिंग वाइज अगर मीटिंग 2 घंटे की तो 600 रुपये हो, ऐसे आप पूरा डिफाइन इसके अंदर कर सकते हैं। ऐप नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली, जो अगर आपके फील्ड का स्टाफ है ऐप के पास, उसको एज नोटिफिकेशन चली जाएगी, या आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि जैसे कि आपको नई मीटिंग एलोकेट हुई है, आपका नया ऑफर ये आया है, ये सब नोटिफिकेशन आपके पास थ्रू आप भेज पाएंगे उनको। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आया। देन आई कम ऑन टू द टूल्स पार्ट। टूल्स के अंदर किट 19 AI टूल है, ये आपका पूरा कंटेंट वगैरह बनाने में हेल्प करेगा। अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि अगर आप कोई कोडिंग वगैरह भी करना चाहते हैं या फिर कोई कंटेंट डिजाइन करना चाहते हैं, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, क्रिएट एंड ऐड लेटर, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, मेलर्स, नोट्स फॉर एनी टॉपिक, कोई इंटरव्यू क्वेश्चन करना चाहते हैं, राइट रिव्यू कोड करना चाहते हैं, नेम एज पर डिस्क्रिप्शन, कंटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, गेट आंसर्स, कंटेंट ट्रांसलेशन, कोड ट्रांसफिकेशन कन्वर्ट, ये सारा आप इसके अंदर AI टूल है। बस अपना क्राइटेरिया डालिए और ऑटोमेटिकली किट 19 आपको वो करके देगा। देन क्लाउड टेलीफोनी, आप इसके अंदर क्लाउड टेलीफोनी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कॉल जो है वो कैसे, IVR कैसे प्ले हो। जैसे कोई कॉल आती है, वेलकम टू किट 19, +1 फॉर सेल्स, +2 फॉर दिस, और उसके बेसिस पे कनेक्ट हो जाए, जिसके पास वो लीड है उसी के पास सीधे कनेक्ट हो जाए, ये सब आप इसके अंदर इसके डिफाइन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप इसमें चेक टाइम वगैरह भी लगा सकते हैं कि जैसे कि 9:30 to 6:30 की कॉल्स आए, बाकी टाइम पे प्ले ना हो, सेगमेंट्स मेंटेन कर सकते हैं। अगर वो आपके पास उस सेगमेंट में है तो उसको ये ऑफर सुनाई दे, अगर इस सेगमेंट में तो उसको ये ऑफर सुनाई दे, तो पूरा आप डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कर सकते हैं, अगर आपकी कॉल आंसर हो जाए तो उसको थैंक यू मैसेज चला है, और अगर आपकी कॉल वो आंसर नहीं कर पाते हैं आप, तो एक रिग्रेट मैसेज पहुंच जाए कि वी विल समबडी विल कॉल यू शॉर्टली। तो इसके अंदर पूरा आप डिफाइन कर सकते हैं, डायनामिक भी प्ले कर सकते हैं, इसके अंदर पूरी चीजें आप अपने हिसाब से इसको सेगमेंट वाइज कर सकते हैं इसके अंदर पूरा IVR के अंदर। ठीक है, अब
एपीआईज अवेलेबल है, एचटीटीपी एक्सएमएल एपीआईज हैं। देन आई कम ऑन टू सेटिंग्स, आप इसमें बिजनेस सेटिंग्स हैं, आप बिजनेस क्योंकि लोकेशन है तो कंपनी की आप बिजनेस सेटिंग कर सकते हैं, उसकी ब्रांचेस सेट कर सकते हैं, शिफ्ट शिफ्ट आप डिफाइन कर सकते हैं कि 9:30 6:30 जैसे आपकी शिफ्ट हो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। हॉलीडेज है, एक्सपेंसेस की कैटेगरी है, अटेंडेंस ग्रुप है, कंप्लायंस रूल्स है, ये पूरा आप डिफाइन कर सकते हैं रूल्स के हिसाब से अपना, कि आपको अपना जो ब्रांचेस वाइज हॉलीडे लिस्ट क्या होनी चाहिए, उनकी शिफ्ट क्या होगी, अगर इस टाइप की हो तो उनकी क्या, ए टाइप की कैटेगरी हो तो उनकी क्या हो, अटेंडेंस ग्रुप में क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, उनकी अटेंडेंस पॉलिसी क्या होगी, कि किड 19 के ऐप के थ्रू लॉग इन कर पाए कि नहीं कर पाए, किड 19 के थ्रू अटेंडेंस लगे कि नहीं लगे, लोकेशन पे है, कंप्लायंस है कि अगर 9 बजे की शिफ्ट है 9:15 के बाद उनकी लॉग इन ना हो पाए, वो पूरा आप डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। नाउ यूजर्स की मैं आता हूँ, रोल्स एंड राइट्स डिफाइन कर सकते हैं उनकी, कि ये एडमिन है, ये सुपरवाइजर है, उनके पास खाली इंक्वायरी देखने के राइट्स हो, उनको नंबर्स ना दिखें, ये सब पूरा आप इसमें रोल्स एंड राइट में डिफाइन कर सकते हैं। किसी को खाली सपोर्ट टिकट का ही देखना हो, कोई खाली इंक्वायरी का ही देख रहा हो, कोई एआई टूल ही देखना है, तो आप उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। हायरार्की डिफाइन कर सकते हैं कि ये इस लोकेशन में देखिए सुपरवाइजर है, एडमिन है, उनके बेसिस पे आप अपनी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन ट्री है वो इसमें आप पूरा डिफाइन करके आप बना सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर आपका यूजर्स के मैंने आपको बताई दिया, टेरिटरी भी डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज वो इस लोकेशन पे, तो खाली इसी लोकेशन से ही डिफाइन हो सके, उनके अटेंडेंस वगैरह लग सके, उनकी लोकेशन ट्रैकिंग है, साइट है, जियो फेंसिंग है, ये सब आप उनके साइट मतलब आपके जो स्टोर्स वगैरह हो सकते हैं वो हो सकते हैं, किन इन साइट पे है, जियो फेंसिंग डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज अगर वो एक पर्टिकुलर फील्ड आपने डिफाइन कर दिया उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में ही रहे, वो आप डिफाइन कर पाएंगे इसके अंदर पूरा। फिर आपका सेल्स एंड मार्केटिंग में मैं आपको बताता हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग में बेसिक में आपका लीड असाइनमेंट मास्टर है, सोर्स वगैरह है, लीड असाइनमेंट मास्टर बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि फेसबुक की लीड इसको जाए, सपोज आप चाहते हैं फेसबुक की लीड अनिमेश के पास आए और जो आपके इंडिया मार्ट की है वो नसीम के पास चले जाए, वो आप डिफाइन कर पाएंगे। उनके सोर्स मीडियम में आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आप डिफाइन कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में आपको चाहिए इसके अंदर। फिर कैप्चर लीड्स में आपका आता है एपीआईज हैं, आपकी B2B इंटीग्रेशन है, फेसबुक है, वेबफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। वेबफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आप अपने आप में आप लीड कैप्चरिंग के लिए यूज होता है, आप उसको अपनी साइट पे लगा सकते हैं, पॉपअप पे लगा सकते हैं, वेबबुक रन कर सकते हैं, इसको तो किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर पाएंगे। मेल पासिंग, अगर आपका मेल पे आती है कोई लीड्स वगैरह तो आप उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके अंदर, मतलब उसको मेल के थ्रू पास करके यहाँ पे आप लीड कैप्चरिंग हो जाएगी। देन सेल्स एक्टिविटीज, फॉलोअप सेटिंग्स, या आप सेटिंग पाइपलाइन वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, इनवॉइस सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर, सारी एपीआईज आपको मैंने बताई दी हैं। फिर आपको मैं बीआई रिपोर्ट्स में आपको रिपोर्टिंग सेटिंग रिपोर्ट सेटिंग है सारी मैं आपको बताया था। टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं लीड्स को जो मैंने आपको बताया था, बेसिस ऑन योर क्राइटेरिया आप उसको सेट कर सकते हैं कि आप किस क्राइटेरिया में कितने पॉइंट्स उनको एडवांटेज मिले, कितनों की आपको नेगेटिव में जाए, ये आप लीड एट्रीब्यूट, एसएमएस एक्टिविटी, मेल एक्टिविटी, ई शॉप, सारे इसके बेसिस पे आप अपनी लीड क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं कि लो को वार्म हॉट में कौन सी लीड्स हैं, उसके बेसिस पे आपकी स्कोरिंग चलेगी और आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आपका कितना रेवेन्यू इसके अंदर आने वाला है। नाउ आई मूव ऑन टू द रिपोर्ट्स। अब आप जब रिपोर्ट सेक्शन पे आते हैं तो मैं आपको एक एक करके रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको बीआई रिपोर्ट्स। बीआई रिपोर्ट्स बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, इसके अंदर आप अपने हिसाब से बिजनेस इंटेलिजेंस के हिसाब से रिपोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट के हिसाब से, कॉल के हिसाब से, इंक्वायरी के हिसाब से, टास्क के हिसाब से, सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। आप इनमें रेंज डिफाइन कर सकते हैं, आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेंज कितने दिन की बाय डिफॉल्ट दिखनी चाहिए, कि आज की दिखनी चाहिए, कल की दिखनी चाहिए, कैसे डिफाइन होनी चाहिए और वो किस किस को रिपोर्ट दिखे बाय डिफॉल्ट। आप चाहते हैं पर्टिकुलर एजेंट को उनकी रिपोर्ट दिखे तो वो भी आप कर सकते हैं, आप चाहते हैं आपका जो ओवरऑल रिपोर्ट आए वो भी आप कर सकते हैं। इसमें हम ये भी सेट कर सकते हैं कि आपके पास वो रिपोर्ट जो आपको CK19 खोलने की जरूरत ना पड़े, ओवर द ईमेल वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाए, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर जैसी मेल पे आएगी आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, 12/3/6 रिपोर्ट अपने आप ही मेल पे आती रहे और हमको देखते रहे कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है, पूरा आप ट्रैक कर पाएंगे
अपनी टीम परफॉर्मेंस के। उसके अलावा अगर आपको रिपोर्ट देख रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इंक्वायरी सेक्शन की रिपोर्ट है। आज कितनी इंक्वायरी, क्योंकि अभी आई नहीं, कितनी इंक्वायरी जनरेट हुई, उनका मीडियम क्या था, कैंपेन क्या था, वो न्यू इंक्वायरी थी, इंक्वायरी लीड में कन्वर्ट हुई कि नहीं, वो पहले से ओपन है या उस पर अभी वर्क नहीं किया है, डेट वाइज किस एजेंट के पास कितनी इंक्वायरी दी गई, वो पूरा ट्रैक कर पाएंगे। देन आपका लीड का आया कि लीड में कितनी लीड उनके पास असाइन है, कितनी उनको करंटली असाइन, 17 लीड असाइन है, करंटली कितनी असाइन की गई है, उनको कितने फॉलोअप आपने आगे किए, आज कितने यूनिक फॉलोअप मार्क किए, कितनी अनटच है, कितनी ओवरड्यू है, और फिर पाइपलाइन के हिसाब से बात आएगा, पाइपलाइन की कितनी पाइपलाइन आपकी एक्सपायर हो गई, कितनी करंट है, कितनी डिलीट करती, कितनी लॉस्ट हो गई। लॉस्ट में आप रीजन भी डाल सकते हैं पाइपलाइन का, ये उनका रीजन क्या था इसके अंदर। देन वी कम ऑन टू सेल्स टारगेट। आप अपना सेल्स का टारगेट यहाँ पे रेवेन्यू वाइज, प्रोडक्ट वाइज और आपकी कोटेशन के वाइज, इनवॉइस के वाइज, ये आपका कितना टारगेट था, कितना अचीव हुआ, कितने कंप्लीटेड हुए, कितने अपकमिंग आने वाले हैं, पूरा आपको ट्रैक करके देगा कि आपका सेल्स टारगेट जो आपने डिफाइन किया था पर्टिकुलर पर्सन के लिए या टीम के लिए, उसमें कितना अचीव हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, अगर अचीव हुआ तो उसकी बाइफरकेशन कौन से अचीव हुए वो आपको दिख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ईमेल का है, कैंपेन का, कितने को मेल गई, कितने को डिलीवर हो गई, कितनों ने ओपन करी, कितनों ने क्लिक किया, CTOR क्लिक टू ओपन रेशियो कितना है, अनसब्सक्राइब कितना है, बाउंस कितना है, बैड ईमेल यानी ईमेल खराब कितनी है, इनक्यू कितनी है, अननोन अभी तक स्टेटस किसका आया है वो देखेगा, यूसेज है कि आपके ओवरऑल क्या यूसेज रही, कितने यूजर्स हैं आपके, आखिरी बार कब लॉग इन किया था, कितने एक्टिव है, SMS कितने गए, मेल कितने गए, वॉइस कितनी हुई, ये पूरी बाइफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। फिर यूजर वाइज एक्टिविटी है, कितनी आउटबाउंड कॉल की, कितनी इनबाउंड कॉल की, एक दिन पहले की दिखती है, कितनी कॉल ड्यूरेशन है, पूरा ट्रैक करके आपको दिख रहा है यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर। देखिए तो आप देख सकते हैं फॉलोअप इस मंथ में कितने किए, ओवरड्यू टास्क कितने हैं, टास्क टुडे कितने हैं, पूरा आपको दिख रहा है। फॉलोअप आज के कितने फॉलोअप मार्क किए, लास्ट फॉलोअप कब करा, किसने मार्क किया, कितना रिमार्क्स था, ये फॉलोअप आपको पूरा इसके अंदर दिख रहा है। देन कम्स व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के अंदर कितनी यूजर इनिशिएट चैट है, कितनी बिजनेस रही, यानी क्लाइंट ने अपने आप कितनी चैट की, आपने कितनी की, कितनी चैट रिव्यू हुई, कितनी चैट सेंट हुई, चैट एक्सपायरी कितनी हो रही है, रिप्लाई यूनिक चैट कस्टमर्स कितने, न्यू यूजर्स कितने, एवरेज चैट पर यूजर कितने, एवरेज टाइम रिप्लाई कितने, अनसब्सक्राइब कितने, पूरा आपको ट्रैक करके ये दे रहा है इसके अंदर। यहाँ से आपका वॉइस का भी आ जाता है, जैसे वॉइस में आउटगोइंग कॉल्स कितनी हुई, इनकमिंग कितनी आई, मिस कितनी हुई एजेंट से, आंसर्ड बाय एजेंट कितनी है, मिस्ड बाय क्लाइंट यानी आपने कोई आउटगोइंग कॉल की तो क्लाइंट ने कितने मिस की, आंसर्ड बाय क्लाइंट, ये सारा ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे, आपको पूरा रिपोर्ट वगैरह दिखेगा। तो ये सारा रिपोर्ट सेक्शन है, और सारी ये जो रिपोर्ट्स हैं ये जिसे मैंने पहले बताया था, सब आप मेल्स पे मंगा सकते हो जिस फ्रिक्वेंसी पे आप चाहें, आपको दिन में 2-3 बार चाहिए वो मंगा सकते हैं, हफ्ते में एक बार चाहिए, 15 दिन में एक बार चाहिए, जिसको जैसा दिखाना चाहते हैं, जिसको उसकी रिपोर्ट है वैसे आप कर सकते हैं। तो ये पूरा KIT 19 का टूर है, इसमें हेल्प भी अवेलेबल है, और ये ना केवल डेस्कटॉप पे बल्कि आपके आईफोन पे भी ऐप के थ्रू और एंड्रॉयड पे भी ऐप के थ्रू अवेलेबल है सारी चीजें। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा।